नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। हामिद अंसारी नाम तो आपने सुना ही होगा, देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, एक बार नहीं दो दो बार, यूपीए एक और यूपीए दो के दौरान। हाल ही में अंसारी साहब तब चर्चा में आए थे जब रॉ के एक पूर्व अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए अंसारी साहब की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दिए थे। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी ने दावा किया था कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 1990 से 92 के बीच जब वो ईरान में भारतीय राजदूत थे, तब तेहरान में रॉकेट सेटअप को उजागर करके वहां काम कर रहे अधिकारियों की जिंदगी को अंसारी साहब ने खतरे में डाल दिया था। अंसारी साहब तब भी चर्चा में आए थे जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने एक बयान जारी कर कहा था कि बतौर नागरिक वे असुरक्षित और असहज महसूस कर रहे हैं। उनका इशारा उनके अल्पसंख्यक होने पर था और वे कहना चाह रहे थे कि देश में मोदी सरकार आने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित नहीं है। तब भी अंसारी साहब को कई लोगों ने आईना दिखाया था। अब अंसारी साहब एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार हामिद अंसारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद पैदा होना लाजमी है। चंडीगढ़ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंसारी साहब ने कहा कि राष्ट्रवाद एक वैचारिक जहर है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद एक वैचारिक जहर है जो वैयक्तिक अधिकारों का हनन करने से नहीं हिचकिचाता। उनके मुताबिक आज राष्ट्रवाद और देशभक्ति के बीच भ्रम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके मायने और विषय वस्तु बिल्कुल अलग अलग है। दुनिया के कई समाज दो महामारियों के शिकार हो गए हैं, धार्मिकता और उग्र राष्ट्रवाद, जो उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अंसारी साहब ये सब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के दर्शन, शांति, सद्भाव और मानवीय खुशी फैलाने के कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर से किया गया था। दो दिन का ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हामिद अंसारी ने जो कहा एक बार फिर आपको बता दें। अंसारी ने कहा, दशकों पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को एक बड़ी बुराई बताया था। वो खुद राष्ट्र की पूजा की खिलाफत करते थे, दूसरी तरफ देशभक्ति सैन्य रूप से और सांस्कृतिक रूप से रक्षात्मक है। ये उत्कृष्ट भावनाओं को प्रेरित करती है, लेकिन जब ये सिर चढ़कर बोलेगी तो ऐसी स्थिति में ये उन मूल्यों को कुचल डालेगी जिसकी रक्षा देश करना चाहता है। राष्ट्रवाद और देश प्रेम के बीच में भ्रम की ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, यदि इसे और बढ़ावा दिया गया तो इसके परिणाम विस्फोटक होंगे। ये एक वैचारिक जहर है जो वैयक्तिक अधिकारों का हनन करने से भी नहीं कतराता। वैसे पहला मौका नहीं है जब अंसारी साहब ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। उपराष्ट्रपति के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से ही हामिद अंसारी विवादों में रहे। इससे पहले उन्होंने देश के हर जिले में शरिया अदालत के गठन के विचार का समर्थन किया था। वे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFFI के कार्यक्रम में भी शिरकत कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस संगठन को देश की सुरक्षा एजेंसी NIA ने केरल के विवादित लव जिहाद मामले में संलिप्त पाया है। अंसारी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगाने के समर्थन में खड़े छात्रों के साथ भी खड़े हो चुके हैं, मतलब उनको समर्थन दे चुके हैं। इसलिए अंसारी साहब का यह बयान उतना चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि वे अपना चरित्र पहले कई बार उजागर कर चुके हैं। अंसारी साहब के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और लगता हो कि इसे और लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि अंसारी साहब की जो देशभक्ति है वो उससे लोग परिचित हो सके, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।